मैं हूं नेहा बजाज और इंटरनेशनल योगा डे पर हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसी सेलिब्रिटी के पास जाया जाए जो खुद योगा प्रैक्टिशनर हैं। तो मेरे साथ है सोनिया बलानी, आपने पहचान गए होंगे, केरला स्टोरीज में आपने ने देखा होगा, बाजार में देखा होगा, तुम बिन में देखा होगा और टेलीविजन सीरियल में भी मैंने आपको देखा है। सो वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो सोनिया, आप कितने सालों से योगा प्रैक्टिस कर रही हैं? ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए हैं। उससे पहले भी डांस करती थी बट योगा करते हुए 4 से 5 साल। और आपको लगता है कि योगा इज बेटर देन जिमिंग, मतलब आप इतनी फिट हैं? एनी डे मुझे लगता है यस, इट इज़ बेटर देन जिमिंग। जिमिंग के अपने ऑफ कोर्स फायदे हैं लेकिन योगा के साथ मुझे लगता है ब्रीदिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिम एक बार को आप स्किप कर सकते हो बट मुझे लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हमारे सभी दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, कुछ ऐसे आसन जो आप हमें करके दिखाना चाहें। तो शैल वी बिगिन? फॉर श्योर, यस। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ चक्रासन से, जिसे व्हील पोज भी बोलते हैं, जो आपकी बैक बहुत स्ट्रेंथन करता है और आपका हार्ट और शोल्डर मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे नीचे से लेटे लेटे भी कर सकते हैं, मैं पर स्टैंडिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो और अच्छे से पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है आपकी। मेक श्योर आप चक्रासन के बाद ये ज़रूर करें क्योंकि आपकी बैक अगर भी थोड़ा सा भी ज़्यादा खराब वे में स्ट्रेच हो गई होगी तो वो उसके लिए बैलेंस कर देता है। और इसी का एडवांस है ब्रिज वॉक, इसे ब्रिज भी कहते हैं, और इसी पोजीशन में आप वॉक भी कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से। और क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी बैक में इंजरी हुई थी तो ये आसन से मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली है बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने। अब मैं करने जा रही हूँ हल आसन, जिसके बेनिफिट्स ये आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है और आपके ब्लड प्रेशर बीपी को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब मैं कर रही हूँ हैंड स्टैंड, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। इसमें आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ और बैलेंसिंग इम्प्रूव होता है। और पर मैं आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे ही मत करिएगा, ऐसे सब हैंड स्टैंड अलग अलग टेक्निक से करते हैं तो आप किसी कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। अगर आपने इसे पहले ट्राई नहीं किया तो आप मत कीजिए, कोई योगा इंस्ट्रक्टर या एनी वन हु इज़ यू नो इन टू ट्रेनिंग प्रोफेशनली उसके साथ ही आप ट्राई कीजिए। अब जो मैं करने वाली हूँ उसे पद्मासन कहते हैं, लोटस पोज। ये आपकी बैक अगेन स्ट्रेट करता है, आपका स्पाइन स्ट्रेट करता है, आपके अच्छे पोस्चर में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो काम्स योर ब्रेन। सोनिया ने हमें कई सारे आसन करके दिखाए, मतलब दे वर रियली टफ। तो सोनिया आप ये बताइए कि योगा करने के बाद आप क्या खाती हैं? योगा करने के बाद बहुत लोग एकदम से हैवी मील ले लेते हैं क्योंकि 3-4 घंटे का गैप होता है, लाइक आई सेड योगा में होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्लोली, गो स्लो, आप फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं या सबसे बेस्ट है ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो होते हैं उससे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर फ्रूट्स एंड देन यू कैन वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव लंच या जो भी आपका मील है आप वो ले सकते हैं। और अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो अगर कोई भी सिर्फ 2 आसन्स करने हों जो इजी हों तो वो कौन से हो सकते हैं? सूर्य नमस्कार मुझे लगता है बेस्ट होता है, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मोस्टली सबको पता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपके बॉडी का हर एक पार्ट स्ट्रेच हो जाता है। मुझे लगता है देयर इज नथिंग लाइक सूर्य नमस्कार क्योंकि फ्रॉम योर हेड टू टो सारे पार्ट स्ट्रेच हो जाते हैं।
एंड ब्रीदिंग भी सूर्य नमस्कार डू इट विद ब्रीदिंग अगर आप कर ही रहे हैं तो. बहुत लोगों को नहीं पता कि सूर्य नमस्कार ब्रीदिंग के साथ होता है, इनहेल एक्सहेल के साथ. तो उसके साथ अगर आप करेंगे तो उसके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एंड जब आप शूटिंग करती हैं तो आप लाइक दिन में कितने घंटे या कितने मिनट दे पाती हैं योगा को? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर बहुत हेक्टिक चल रहा होता है तो हो सकता है बहुत कुछ कुछ दिन स्किप भी हो जाता है. लेकिन लाइक आई सेड बिफोर, मैं कपालभाति अनुलोम विलोम कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. और वो आपकी ब्रीदिंग इम्प्रूव करता है जो आपके सीन्स में डेली जब आप एक्ट भी कर रहे होते हो तो वो हेल्प कर रहा होता है. एंड सूर्य नमस्कार वो भी कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके एंड लास्टली, बिकॉज यू नो एक फीमेल की बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से भी गुजरती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए क्या लड़कियों को योगा करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए. लड़के लड़कियाँ सबको योगा करना चाहिए, लड़कियों को तो और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लड़के फिर भी जिम चले जाते हैं. मैं उनकी बात कर रही हूँ, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं जो नहीं बाहर जाके जिम कर पाती, वो घर पे योगा तो कर ही सकती हैं, क्योंकि जिम के लिए ज़रूर बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन योगा के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक योगा मैट चाहिए एंड यू कैन डू इट. ऑल राइट, सो मेरे साथ थी सोनिया, थैंक यू सो मच. योगा कब करना चाहिए और उसके बाद से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब आपने हमें बताया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.